नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं गुड लक राशि फल विद कमल नंदलाल में सिर्फ एस्ट्रो तक। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए खास बात और पते की बात, आज का विशेष टॉपिक बहुत आम टॉपिक, जर्नल टॉपिक। कहीं आप भी तो नहीं रखते हैं अपने जूते चप्पल स्लीपर्स पलंग के नीचे? हो सकते हैं अस्थिरता और आर्थिक हानि से ग्रसित। जी हाँ, हो सकते हैं परेशान। क्या बात है भाई, दुनिया भर के लोग पलंग के नीचे ही तो रख देते हैं चप्पल जूते। क्या दुनिया के सभी लोग अमीर हैं? जवाब है ना। क्या दुनिया के सभी लोग सुखी हैं? फिर जवाब है ना। क्या दुनिया के सभी लोग संपन्न हैं, सुखी हैं? फिर जवाब है ना। क्यों भाई, जब दुनिया में हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, सुखी क्यों नहीं है, संपन्न क्यों नहीं है? क्यों टेंशनों से घिरे हुए हैं? क्यों अस्थिर है हमारी जीवन? आज पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता है, हम परेशान हो जाते हैं। सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। इम्बैलेंस हो जाती है जीवन। और वास्तु जो है ना, हर चीज से कनेक्ट करता है आपको, हर चीज से। दुनिया का कोई ऐसा जर्रा नहीं है जहां वास्तु नहीं है। वास्तविकता में समझना होगा वास्तु है क्या। वास्तु जुड़ा है वस्तु शब्द से, और कण कण में, कण कण में वो विराजमान है, और वास्तु उसी की देन है। अगर आप वास्तु की हिस्ट्री देखेंगे तो वास्तु पुरुष हैं कौन? स्वयं महादेव देवाधिदेव, स्वयं महादेव। और महादेव की बॉडी पर ही समस्त संसार बचा है। और ये देवी क्या है? ये अपने गर्भ के अंदर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये गए हैं, तभी उनका नाम है कूष्मांडा। ये शास्त्र कहता है कि जिनके गर्भ में पूरा यूनिवर्स बसता है। तो ये यूनिवर्स जो है, ये वास्तु से कनेक्टेड है। जूता चप्पल, रसोई घर, टॉयलेट्स, चद्दर, सब कुछ। तो जूते चप्पल कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें बचाते हैं, ये चलाते हैं हमें। इस बारे में अब हम जानते हैं कि बेड के नीचे जूते चप्पल रखने से क्या होता है। आपने देखा होगा जब कभी भी शनि बिगड़ता है, लोग काले जूतों का दान कर देते हैं। या एक आपने स्लैंग तो सुनी होगी ना, किसी ने कुछ अगर गलत किया है तो जूते मारो उसको। क्यों मारो उसको जूते? न्याय करो उसके साथ में। शनि बिगड़ जाता है जब हम जूते चप्पल इधर उधर पटक देते हैं। हमारे चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ जाती है कभी, आपने देखा होगा। बोलते हैं यार चप्पल से चप्पल उतार दीजिए, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। कभी ध्यान दिया इस चीज पर, ऐसा क्यों होता है? वास्तविकता में होता है। कभी हमारे जूते या चप्पल उल्टी पड़ी हुई हो, राइट वाला लेफ्ट में पड़ा हो, लेफ्ट वाला राइट में पड़ा हो, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? सीधा कर दीजिए इसे, चाल खराब हो जाएगी आपकी, चाल चलन ठीक नहीं रहेगा आपका, टेढ़े रास्ते पे चले जाएंगे आप। जूते कितने इंपॉर्टेंट हैं, चप्पलें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें चलाती हैं। हम सोचते हैं हम इन्हें चला रहे हैं, वास्तविकता में सत्यता ये है कि ये हमें चलाती हैं। धर्म मार्ग पर आके ये उतर जाती हैं कि अब आप जाइए सामने, मंदिर के अंदर हम प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर ही रहेंगे। लेकिन जहाँ अधर्म होता है वहीं अपने आप प्रवेश कर जाती है। और जहां आपको बहुत पते की बात बताने वाला हूं, बेडरूम जो होता है, शयन कक्ष होता है, उसे हम बोलते हैं शैया भाव, बारवां भाव देखा जाता है वहां पे। इसलिए यहां पर शनि का आ जाना बहुत बुरा प्रभाव देता है हेल्थ पर। दूसरा, शनि जहां दृष्टि डाल देते हैं वहां पर बहुत बुरा इफेक्ट आ जाता है। शनि की दृष्टि में दोष है, इसलिए शनि जो है वो अपनी आंखें हमेशा ऊपर करके या नीचे करके रखते हैं। और उसका मूलभूत कारण है कि जब शनि के द्वार पर शैया भाव में आप आ जाते हैं, जो शुक्र का भी बहुत नैसर्गिक स्थान है, वहाँ पर किसी ऐसे चीज़ का प्रवेश करना जो नेगेटिविटी लेके आती है। हम रास्ते पे चलते हैं, हम गलत सीधी जगह पे चले जाते हैं, हम चौराहों पर जाते हैं, हम तिरहों पर जाते हैं, और उसी चीज़ को हम अपने बेडरूम में ले आते हैं और वो भी पलंग के नीचे रख देते हैं, जो बारहवां भाव है। तो ना ही सिर्फ दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, पार्टनर से संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। साथ ब साथ के अंदर आर्थिक
अव्यवस्थता आ जाती है जीवन में, आर्थिक हानि शुरू हो जाती है और व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। कारण शनि कर्म फल दाता है और शनि बिगड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर शनि बहुत बुरा प्रभाव देता है क्योंकि आपके लाइफ के फ्लो को वो बांध देता है। इसलिए कभी भी बेडरूम में पलंग के नीचे चप्पल नहीं रखनी चाहिए। चप्पल जूते हमेशा एक निश्चित जगह पर रखने चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है चप्पल रखने के लिए, तो इसके लिए वास्तु टिप आपको बताऊंगा। बहरहाल बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल ना रखें, अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। अब जाने से पहले आज की विशेष वास्तु टिप। अगर आपके घर में जूते चप्पल रखने की कोई व्यवस्थित जगह नहीं है और आपका शनि दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है, आपके जीवन में अस्थिरता आती जा रही है, आप काम धंधा आपका सेट नहीं हो रहा, दुकान नहीं चल रही आपकी, तो आप क्या करें? आप एक बहुत सुंदर सा आसान सा उपाय कर सकते हैं। आपको 8 काले हकीक लेने हैं। 8 काले हकीक किस रूप में लेने हैं? ओवल शेप के लेने हैं। और क्या करना है आपको? आपको ग्रीस लेनी है जो नॉर्मल बाजार के अंदर चलने के पश्चात में या तो यूज्ड मोबाइल ऑयल जो होता है वो ले लेना है, या ग्रीस ले लेनी है। और ये आठों एक छोटी सी स्टील के ढक्कन वाले जो आपका यूटेंसिल है उसके अंदर आप 8 हकीक डाल के और ग्रीस रख के, क्योंकि ग्रीस है चलावा चीज़, ऑयल है चली हुई चीज़ जो चीज़ों को सॉफ्टन कर देते हैं, आपकी लाइफ को भी सॉफ्टन कर देंगे। 8 जो है वो शनि का नंबर है। तो 8 काले हकीक लेके उसको किसी स्टील के बर्तन में जिस पर ढक्कन लगा हुआ हो उसमें ग्रीस या मोबाइल जो ऑयल होता है वो डालकर, यूज्ड मोबाइल ऑयल, और आप अपने घर की पश्चिम दिशा में इसे छुपा कर रख दीजिए। शनि की समस्या सॉल्व, जूते चप्पलों की भी समस्या सॉल्व। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही टॉपिक हम आपसे रोज लेकर मिलते रहेंगे। आज अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।